मुल्क के हम सब बाशिंदे जो हैं वो बराबर के मालिक हैं, राजा हैं, बराबर के मालिक और बराबर के राजा की ताकत बाबा साहब ने दी एक वोट एक इंसान को देकर। उसी मनुस्मृति के ऊपर ये सबसे बड़ी चोट है कि हम इस मुल्क के बराबर के मालिक हैं, ये सबसे बड़ी चोट है। बराबर हैं सब, और मनुस्मृति किस चीज को हासिल करने के लिए ये भी बहुत समझना जरूरी है। आज पिछले 5 सालों में, हालांकि 70 सालों में भी कुछ कुछ ऐसा होता रहा, लेकिन पिछले 5-5.5 सालों में वो सबसे ज्यादा निखर के और उभर के चीज सामने आ रही है। हमारे मुल्क की कंबाइंड वेल्थ, जो टोटल सरमाया है हमारे मुल्क का, वो आज सिर्फ 52 से 53 एंटिटीज यानी इंडिविजुअल्स या कंपनीज के हाथ में है। 73% सरमाया, ये ऑक्सफॉर्म का भी एक सर्वे हुआ था, उससे पता लगता है। पिछले 5 सालों में 9 लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क के सबसे गरीब तरीन 50% जो लोग हैं उनके बराबर का सरमाया रखते हैं, 9 लोग सिर्फ। मनुस्मृति इस चीज को हासिल करने के लिए है, ये भी हमें सोच समझ के रखना चाहिए। पिछले 5 सालों में 27 लाख करोड़ का डेट यानी के कर्जा हमारे मुल्क पे चढ़ा दिया गया है। 27 लाख करोड़ पिछले, उसके जो पिछले 70 साल थे उसमें 54 लाख करोड़ का था, यानी के 50%। जो 70 सालों में कर्जा था उसका 50%, 27 लाख करोड़ सिर्फ पिछले 5 सालों में हमारे मुल्क पे कब्जा कर्जा चढ़ गया। ये काम कर रही है नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सरकार। असली उनका आम जो नजर है वो इस चीज पर है, ये बात आप लोगों को समझ के रखनी चाहिए, हर एक गरीब को भी समझ के रखनी चाहिए, हर एक महिला को भी समझ के रखनी चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क में जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं वो सबसे बड़ी अप्रेस्ड कम्युनिटी है हमारी महिलाओं की, और बाबा साहब ने सबसे पहले महिलाओं के लिए काम किया। संविधान लाते आज मुझे दुख है कि आपके सेठ पर कोई, इसका मुझे बहुत दुख है। मेहरबानी करके आप मीडिया में जरूर ख्याल रखा जाए कि महिलाएं स्टेज पर जरूर होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को अंबेडकर वादी के, यही कहता हूं, बहुत सुंदर यही कहता हूं, और बहुत तेज नेशनल बस। दूसरी जो सबसे बड़ी जरूरतमंद कम्युनिटी है, और मनमोहन सिंह साहब जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने गलत कह दी ये बात जब उन्होंने ये कहा था कि माइनॉरिटीज का इस मुल्क के सरमाए पे सबसे पहला हाथ। वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है जिसपे, जिनका इस मुल्क के सारे सरमाए पे सबसे पहला हाथ है, माइनॉरिटीज का नंबर उनसे बाद आता है। तो ये गुनाह जो हो रहे हैं हमारे मुल्क का सरमाया चुरा के कुछ 9 लोगों के या 53 लोगों के हाथ में देने के, दोनों हाथों से जो लूट मची हुई है इसको रोकना सबसे अहम जिम्मेदारी है हम लोगों की। और वो किस तरह से रोकेगा, जिसका जिसका टॉपिक आज यहाँ है। उससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे आऊं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि सिंपल मैथमेटिक्स क्या है। हमारे मुल्क में 17% के करीब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, 10% या 9 या 10% ऐसा कहा जाता है, शायद ज्यादा ही होंगे, शेड्यूल ट्राइब यानी के अनुसूचित जनजाति, ये हो गया करीब 27%, 26 या 27%। उसके अलावा सारी माइनॉरिटीज को लगाया जाए तो वो 20% होती हैं, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध शामिल हैं। ये हो गया टोटल 46 या 47%। इसके अलावा अगर ओबीसी को भी जोड़ा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो 80% से बहुत ऊपर हो जाते हैं। मगर मैं उन सबसे कमजोर तबकों की बात कर रहा हूं, 47% है हम लोग। हालांकि वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा बाकी सभी लोग, हम सब लोग शूद्र के नाम से जाने जाते हैं, अगर उनकी घिनौनी सोच को देखा जाए और समझा जाए।
लेकिन ये आपस में भी लड़ाइयां कराते हैं हमारी, ताकि जो लूट मचाने का भी उनका काम है वो ये आसानी से कर सके। तो मैं कह रहा हूं अगर ये सबसे पसमानदा सबसे पिछड़े वर्ग जो है वो भी 47% है, वही अगर एक हो जाए तो इस मुल्क का कायापलट हो जाएगा रातों रात। इसी को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं और उसका जो लेटेस्ट तरीका है वो है ईवीएम। समझ लीजिए आप बात, ये क्या हो रही है, आपकी जेबों से, आपके घरों से, आपके बैंकों से, आपकी जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ के रूप में, आपकी हवाओं से बिजली के तरीके से, आपके पानी से बिजली के लिए, आपके पीने के पानी से, हर जगह से लूट मचा रखी है। मनुवादी वर्ण व्यवस्था है, उसको रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार है अब जबकि जनता में जागरूकता आ रही है, बाबा साहब के लोगों में ताकत आ रही है, तो सबसे आसान सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका कौन सा है? ईवीएम। मुझे इस बात के लिए जाना जाता है कि मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, आप सिंह साहब वकील साहब मौजूद हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देना चाहिए। हालांकि हमारे मित्र ने, वकील साहब ने अच्छी तरह बता दिया कि अदालतों पे भी आज भरोसा करना बेवकूफी की निशानी है, और उसकी खुद मिसाल हमारे चार सीनियर मोस्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी, आप उनका इशारा समझिए। मुझे यहाँ कहने में कोई शर्म नहीं है, उन लोगों ने यह इशारा किया था कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट से जो सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी जगह है, वहां के जजेस दबाव में है, ये मैसेज दिया था हमारे चार जजेस ने, और उनके ऊपर दहशत फैलाई जा रही है इस प्रेजेंट व्यवस्था द्वारा, ये मैसेज दिया था, और उन्होंने एक आह्वान किया था, एक गुजारिश की थी देश की जनता से, अगर आप लोगों को याद हो, कि आप लोग उठ खड़े हो, नहीं तो ये आखिरी पिलर जो बचा है हमारी हमारे जनता तांत्रिक व्यवस्था का, जुडिशरी न्याय व्यवस्था, वो खत्म हो जाएगी, तो आप लोगों को उठ खड़े होने की जो गुजारिश की थी हमारी न्याय व्यवस्था ने खुद की थी, तो उठ खड़ा होना सबसे अहम है ईवीएम को रोकने के लिए, क्योंकि जो मैथमेटिक्स भी है, जो 47% या 80% लोग हम हैं, उसको खत्म करने के लिए ये ईवीएम सबसे बड़ा हथियार है मनुवादी व्यवस्था का। समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह से। तो एक तो जन आंदोलन का तरीका है ही, जिसके आगे हरेक हिटलर हरेक फासीवादी को झुकना पड़ता है, रातों रात झुकना पड़ता है, हम भी झुका लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग रहा है, और जो मुहिम चल रही है उसमें हम लोग भी ताउन कर रहे हैं, पूरी ताकत से ताउन कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक ये सरकार अपनी गलत हरकतें नहीं छोड़ती ईवीएम के बारे में सबसे पहले, क्योंकि वो नंबर्स को डिफीट करने के उनका उनका फॉर्मूला है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा हमारी जो तंजीमें हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे, कि अभी आज की तारीख में जो ईवीएम्स यूज हो रही हैं वो M2 जो उसका जो M2 की जो जो मॉडल है वो यूज हो रहा है, आज तक 2006 से लेकर 2010 तक प्रोड्यूस हुआ था। इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से ईवीएम की मशीनें अगर 65 कैंडिडेट्स हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये पुराने वाले मॉडल की M2 मॉडल की मशीनें फेल हो जाती हैं, तो ये हमारा एक सबसे अच्छा एक रिस्पांस हो सकता है, इसलिए कि हम मजबूर कर दें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि पेपर बैलेट से इलेक्शन कराए, तो हमें 65 से ज्यादा कैंडिडेट एंश्योर करने चाहिए कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 65 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, और इलेक्शन कमीशन, मुझे कोई शर्म नहीं है इन सब बातें करने में, मैं खुद के ही बोलता हूँ, इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत लगाती है इस बात की, पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी लगाई कि कहीं भी 65 से ज्यादा इलेक्शन ना कैंडिडेट ना, तो हमें यह इंश्योर करना है जब तक हम जन आंदोलन से अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं होते कि हम 65 से ज्यादा कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दें, ताकि पेपर कलेक्ट का इस्तेमाल हो, पहला रास्ता तो यह है। लेकिन M3 मॉडल भी आ गया है जिसकी वजह से अब 384 कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ईवीएम M3 मॉडल से कराया जा सकता है, अभी ईवीएम से हो, तो 384 कैंडिडेट्स को इतनी बड़ी बात नहीं है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की है, और खासतौर पे हम लोग जो सच्ची बाबा साहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, 385 कैंडिडेट भी अगर आप लोग देखेंगे तो इतने
पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा आज से ही, 2-3 महीने में चार राज्यों में। तो पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि 385 कैंडिडेट्स बनाए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो भले ही इलेक्शन लड़े ना लड़े लेकिन कैंडिडेट्स बने, ताकि मजबूरन इलेक्शन कमीशन को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेपर बैलेट से इलेक्शन कराना पड़े। दूसरा, जो फांसी वाली ताकतें, हर एक फांसी वाली ताकत जो कमजोर तबका होता है, कमजोर लोग होते हैं, उनको नफ्सियाती जंग में मुब्तला करती है और उनके ऊपर नफ्सियाती अपनी बढ़तरी हासिल करती है, मतलब साइकोलॉजिकली आपको कब्जा करने की जो छलावे की नीति होती है वो इस्तेमाल करती है, ताकि हम लोग जो कि नंबर्स में ज्यादा है, जो कि इंसाफ की तरफ है, जो कि गरीब है, जो कि कमजोर है, वो उनकी ताकत से उनके दहशत में आके वो काम ना करें जो कि इंसाफ और सच्चाई का काम। इसके लिए क्या रास्ते इख्तियार करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो हमारे मुल्क में आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला जो होता है, जो झूठा देशभक्ति का जो मेडल हमने आप पहन लेते हैं, आरएसएस की सोच को समझने के लिए एक फॉर्मूला इजाद किया है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो कोई भी बात कहें उसके आगे नाम लगा के पढ़ो उसको। अगर वो ये कहते हैं देशभक्त हैं तो वो देशभक्त नहीं है, ये उनको समझने का सबसे आसान तरीका है। और अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उन्होंने हर वो चीज जो कही है उसका उल्टा वो करते। अगर वो ये कहते हैं देशभक्त हैं तो देशभक्त नहीं है, अगर वो ये कहते हैं हम भारत के, भारत माता के सबसे वफादार सिपाही हैं तो उसका मतलब वो सबसे बड़े गद्दार हैं। इस बात को अपने जहन में एकदम साफ रखना चाहिए, बिल्कुल भी बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है। आरएसएस का हर एक जो सोचा समझा लीडर है, मैं उनके जो नीचे भक्त बने हुए हैं तो उनके बारे में तो नहीं कहता, वो क्योंकि बहुत सारे लोग उनमें से बैठाए हुए हैं, लेकिन आरएसएस के टॉप में जो वर्णादि व्यवस्था, जो वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले, ब्राह्मणिकल सोच के मानने वाले जो उनके टॉप लीडरशिप है, वो सब हमारे मुल्क के गद्दार हैं, वो चोर हैं, बेईमान हैं। उस बात को समझ के आप उनकी बात किया करो और उनको उसी जगह से देखा करो और उनको उसी नाम से एड्रेस किया करो। चोर लफ्ज इस्तेमाल करना आरएसएस के आइडियोलॉग्स के पहले सबसे जरूरी और सबसे अहम है। हमारे सारे लोग अगर उनको चोर, डकैत, गद्दार कहने लगेंगे तो आधी लड़ाई हम वैसे ही जीत जाएं, बिल्कुल साफ, इससे कोई झूठ सच छुपने की गुंजाइश नहीं है, वो सब चोर हैं। और क्योंकि वो नारा चौकीदार चोर है, अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उसमें इलेक्शन की भी उसमें भी कुछ योगदान है, ईवीएम तो है ही, शर्म नहीं करनी इस बारे में, कोई शक भी नहीं रखना, वो है ही चोर। 52 साल तक जो हमारे मुल्क का झंडा ना फहराया वो चोर है, वफादार है या गद्दार है बताइए, सिर्फ और सिर्फ गद्दार ही है वो। और उन्होंने हमारे मुल्क को हाईजेक कर रखा है जो हमें छुड़ाना है, और वो देश को कमजोर कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एनआरसी का एक स्कीम है जो यहाँ पे भी अभी लागू करने वाले हैं पूरे देश में, उसके लिए मैंने आसाम में बहुत डिटेल में काम किया है। तो मैं ये दहशत फैला करने की जो तरीके हैं सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको। एनआरसी एक दहशत फैला करने का तरीका है। आसाम, जो कि आसाम एजुकेशन शुरू हुआ था, जो हमारे यहां से जो बिजनेसमैन वहां गए थे, और आप लोग कलकत्ता में रहते, यहाँ बंगाल में रहते हैं, आप भी जानते हैं कि जो बिजनेसमैन दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से आए हैं यहाँ पे, वो यहाँ क्या बेईमानी भरी बिजनेस करते हैं, कितना यहाँ की संपदाओं को लूटते हैं, यही एजुकेशन आसाम में शुरू हुआ, यही असली मुद्दा है, और यही अभी कश्मीर में हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आसाम में भी यही मुद्दा था, उसको आरएसएस ने हिंदू मुस्लिम का रुख किया, ये कहते कि बांग्लादेशी मुसलमान आसाम में आए, ये झूठ
और आरएसएस के लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, इस बात में भी आपको कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में वक्तन फवक्तन वक्त आने पर वो अपने चेहरे से नकाब उतारते हैं और आरएसएस की लाइनों में जाके खड़े होते हो जाते हैं। और उससे पहले जब अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं दिखाने के लिए तो आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत करते हैं, मगर वो होते आरएसएस के लोग ही, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसी गलतियां करवाते हैं जिससे आरएसएस और बीजेपी को फायदा। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी ये बात कही कि बांग्लादेश में करोड़ों की तादाद में आसाम में करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान, कोई एक करोड़ कह रहा है, कोई 70 लाख कह रहा है, कोई 75 लाख कह रहा है, कोई 2 करोड़ कह रहा है, और ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग गवर्नर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं। अब इसका अंजाम क्या हुआ? बांग्लादेशी अगर वहां थे तो हमारा मुल्क तो बांग्लादेश का बड़ा राय की तरह माना जाता है। एक बार भी किसी सरकार ने बांग्लादेश से यह नहीं पूछा कि आपके यहां से जो हमारे पास 2 करोड़ लोग आ गए हैं वो कुछ खो भी रहे होंगे, आपके भी सेंसस होते हैं 10 साल बाद, तो आपके पास से भी तो वो आपकी लिस्टों में से गायब हो गए होंगे, आप तो हमारे छोटे भाई हो, मेहरबानी करके वो लिस्ट हमें दे दीजिए ताकि हम लोग ये जान सके कि ये लोग गायब है वहां से और उन्हीं लोगों को हम पकड़ के यहां से वापिस भेज सकते। एक बात किसी सरकार ने ये बात बांग्लादेश से की ही नहीं ऑफिशियली। पर अभी एक साल पहले $9 बिलियन बांग्लादेश को अभी ग्रांटिंग एड दी है हमारी परम आदरणीय मोदी सरकार ने। क्यों भाई? यहां तो 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, मुसलमान बांग्लादेशी हैं, उनको बाहर निकलवाना है, आप $9 बिलियन दे रहे हैं उन्हें, तो कम से कम ये तो कह दीजिए जो 90 लाख नहीं 2 करोड़ नहीं 9 बांग्लादेशी तो कम से कम वापिस दे दीजिए। ये लॉजिकल बात है ना, मगर इनका काम तो झूठी बोल रहे हैं सर। आज तक बांग्लादेश से ऑफिशियली हमारे देश ने एक बार भी ये बात नहीं की है। आज भी अभी भी अमित शाह ने झूठ बोला है ना कि पब्लिक में बोला है कि मैंने अभी बात की, वो भी झूठ है। आज भी ऑफिशियली हमारे देश ने बात नहीं किया, क्योंकि जैसे ही वो ये बात बोलेंगे बांग्लादेश ये बोलेगा कि आप तो सफेद झूठ बोल रहे हैं, इस प्रकार का झूठ मत बोलिए हमारे देश के बारे में, तो इनकी सारी थ्योरी क्रैश हो जाएगी, मुंह के बल गिर जाएगी। यही बात मैंने आसाम के लोगों को समझा, आप बेफिक्र रहे, कोई तकलीफ नहीं होगी और ये एक भी आदमी बाहर नहीं गिर पाएंगे। और वो वही हो रहा है, सिर्फ ड्रामा, पब्लिक ड्रामा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, वोट हासिल करने के तरीके, बेचारे शरीफ भोले वाले असामी जो ओरिजिनल असामी लोग हैं उनको बेवकूफ बना के आज वो रो रहे हैं। जब अब एनआरसी का रिजल्ट आ रहा है ना, तो वहां बांग्लादेशी तो है ही नहीं और मुसलमान भी नहीं है ज्यादा। अब वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है आप देखना कि ये एनआरसी का रिजल्ट मत दे, इसको डिले कर देते हैं इसको। और सुप्रीम कोर्ट जो कि जिसको धोखा दिया उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस साहब को, वो आप हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो। आज तक तो सरकार कहती थी अभी कराइए, एक दिन बात करा दीजिए और हम ये रिजल्ट दे देंगे, वो रिजल्ट दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये इस तरह के झूठे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल सकते हैं। और इसका पहला एग्जांपल तो आपने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के टाइम पे देख लिया, तो उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक को बेवकूफ बनाया। इसे वीजा दे रही और आंखों में घुस के झूठ बोलना इनकी इनका इनकी ट्रेनिंग ही यही होती, लेकिन आसाम में फंस गया। अब आसाम में हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेशी नहीं, बंगाली स्पीकिंग लोग हैं जो कि आज से नहीं 100 साल से ऊपर से वहां से रह रहे हैं, उनकी फैमिली जाके भारत देश है, असम के लोग भी दिल्ली में आके रहते हैं, बांग्लादेश के लोग भी वहां जाके रहते हैं, तो सॉरी बंगाली लोग भी वहां जाके रहते हैं, आज से नहीं बहुत सालों से हो रहा है। तो बंगाली स्पीकिंग जो लोग थे वो वहां रहते थे। अब 1985 से लेके देखिए मतदान का, तो जो मुसलमानों के पीछे आरएसएस पड़ी हुई थी उसका एक जो फायदा हुआ वो ये कि सब मुस्लिम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत ठीक कराने शुरू किए, बाकी लोगों को इस बात की चिंता ही नहीं थी, कोई डर ही नहीं था, पर उनको डर कोई नहीं था ना उनके पर कोई ऐसा अटैक हो रहा था, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं कराया। उसका नतीजा यह हुआ है कि आज नॉन मुस्लिम्स बहुत ज्यादा हैं, जिनका नाम ये 40 लाख में आया है और मुस्लिम्स कम, बाकी लोग जिनका नाम आया है उस लिस्ट में वो भी भारतीय ही है, इसके कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। अब इस
बात को जब सामने आ गई बात, तो अब वहां वो जो आरएसएस है वो असामी जो है, जो जिनकी एक जायज मांग थी कि यहाँ पे हम लोगों की अपनी आवाज ही दब रही है, हम नंबर पे कब रह गए, अब उनसे कह रहे हैं कि तुम गलत हो। तो वहां अब असामी और बंगाली की लड़ाई शुरू करा दी है आरएसएस ने, पहले धर्म की अब रीजन की लड़ाई शुरू कराई वहां पे, यही है इनका चार चरित्र चयन। तो एनआरसी के लिए भी मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, सबसे पहले कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन ठीक कराएं, और ये मैं किसी एक खास कम्युनिटी से नहीं करा, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए भी जरूरी है, जो बाकी कमजोर वर्ग है ओबीसी है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रामा एनआरसी का होगा लोगों को तंग करने के लिए, रिश्वतें लेने के लिए सरकारी अफसर भी पूछे जाते हैं, आसाम में जबरदस्त रिश्वत का माहौल चल रहा है, सब कुछ है, सरकारी अफसर भी कुछ है, किसी को भी जाके बोल दिया वो बेचारा घर के बारे पैसे देता है, सारी जो प्रोसीजर्स हैं वो गलत बेबुनियाद हो रहे हैं और वो सब क्रैश डाउन होंगे, क्योंकि जितने लोगों के नाम भी आए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। अब होता क्या है कि आप अपना, और मैं एक बात ये बहुत जगह कहता हूं कि अगर जो आसाम में तरीका इस्तेमाल हुआ है एनआरसी का, अगर पूरे देश में उस तरह से हुआ तो 95% भारतीय जो है ना वो एनआरसी में अपना नाम नहीं पाएंगे, 95% भारतीय, मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो एक तो सेंसस होता है उसमें आगे जो कर्मचारी फॉर्म्स भरते हैं या सेंसस करते हैं उसमें नाम आपने कुछ बताया, स्पेलिंग उसकी कुछ लिखी, बाप का नाम आपने कुछ बताया, वो गलती से कुछ और लिखा, कई बार वो जाते भी नहीं है, अपने आप ही लिख दिया पूछ पाछ के, तो वो रिकॉर्ड बन गया। अब यहाँ हमारे यहाँ गरीब आदमी अनपढ़ आदमी उसको ठीक कराने को जाएगा नहीं, यही हाल इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट बनती है उसका है, यही हाल हमारे राशन कार्ड का है या दूसरी जो चीजें आपने सबने, यहाँ तो खैर आधार कार्ड भी बनाया उसमें स्पेलिंग मिस्टेक देख लीजिए आप, एड्रेस की मिस्टेक देख लीजिए। अब ये बात हुई तो आपको भारतीय नहीं रहे, भारतीय कैसे बनेंगे कि आप रिश्वत दें सरकारी अफसरों को ताकि काम ठीक करें। तो जो काम सरकारी अफसरों ने इलेक्शन कार्ड बनाते टाइम, वोटर लिस्ट बनाते टाइम, आपका राशन कार्ड बनाते टाइम या सेंसस में आपका नाम लिखते टाइम गलती सरकारी अफसरों ने की थी, उसी बात की सजा मिलेगी आप लोगों को, ये असम में हो रहा है और यही बाकी सब जगह होगा अगर ये एनआरसी शुरू हुई। तो उसी लिए मैं सबसे पहले तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ समस्याएं नहीं बताना चाहता, आपको सोल्यूशन भी देना चाहता हूँ, आज से ही इससे पहले कि एनआरसी लागू करवाए, और मेरे ख्याल से फिर वो एनआरसी शुरू ही नहीं करेंगे अगर इस काम को आप करना शुरू कर देंगे कि अपने रिकॉर्ड ठीक कर लेंगे जो जो आपके, तो ये बहुत आराम से ये जो इनका इश्यू है, क्योंकि आरएसएस वाले जानते हैं कि अगर किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, मैं अभी आपको मॉब लिंचिंग का एग्जांपल देके बताऊंगा उसका, तो वो काम को छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ लेते, क्योंकि उनके पास तो धोखा देने के हजारों तरीके हैं। तो अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन आज से ठीक करने लगेंगे तो ये एनआरसी का जो भूत दिखा रहे हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, और खासतौर पर बंगाल में सबसे पहले शुरू करने वाले, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, कोई और तो उनको किसी चीज तैयारी है नहीं, इलेक्शन और इलेक्शन के द्वारा पैसे, दुनिया की सबसे रिच पार्टी बन गई है बीजेपी पिछले 5 सालों में, ये अचीवमेंट तो है उनकी जो मानने वाले सबसे रईस पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई, यही एक अचीवमेंट है जो दिखा सकते हैं पूरी दुनिया। तो ये है एनआरसी की कहानी। उसके बाद एक दूसरी उन्होंने जो काम शुरू किया वो मॉब लिंचिंग का था। मॉब लिंचिंग में जानबूझ के आरएसएस के जो ऑफिस बियरर्स हैं उनकी, अपने बड़े गर्व से बताते हैं, 1 लाख से ज्यादा उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। तो उन्हीं की सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ये बाकायदा क्राइम का धंधा शुरू कर दिया, ये सिर्फ में काओ विजिलेंटिज्म जिसको बोलते हैं। अब कोई भी बेचारा जो पशु लेके जाता है वो उससे गुंडा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया इन्होंने पूरे देश में, इस तरह इनके कागज को पैसे आने शुरू। अब किसी को भी कभी भी ये जहां भी कोई इलेक्शन आने वाला है या किसी भी वजह से या किसी ने किसी भी वजह से कहीं भी कोई भी हरकत कर देंगे, पुलिस जो है आरएसएस और उनकी सरकारों के और उनके लोगों के टच में होती है,
तो सबसे पहला काम क्या करती है, और ये टोटल झूठ काम होता है कि जो आदमी मारा जाता है मोहम्मद सिंह में या जिसको जिसके ऊपर हमला किया जाता है उसी की गलती झूठी बना दी जाती है कि ये तो पशु चोरी करके जा रहा था, या ये उनको वही आ जाती है कि ये जो गाय ले जा रहा था ये दूध के लिए नहीं बल्कि उसको काटने के लिए ले जा रहा था, ये उनको पहले से पता लगा और इसका वो झूठा मुकदमा उसको दर्ज कर देते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं फिर कि जो भी ये चोरी करके ले जा रहा था गाय काटने के लिए ले जा रहा था तो इसलिए भावनाओं में आके इन लोगों ने उसको मार दिया, ये उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। हालांकि वो पहली बात ही झूठ होती है कि वो किसी भी तरह का गैरकानूनी काम कर रहा था। तबरेज के की जो मिसाल अभी मैं देना चाहता हूँ जो भी लेटेस्ट है उसने झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया, कोई चोरी नहीं कर रहा था। दूसरी बात यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आर्गुमेंट दी जाती है कि अगर वो चोर भी था तब भी उसको मारना नहीं चाहिए था, ये उनके ट्रैप में फंसने जैसी होगी, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको कहा है वो कोई भी बात कहे उसके आगे ना लगा लिया करते हैं अगर उनको समझना है, तो अगर वो तबरेज को चोर कह रहा है तो इसका मतलब वो हरगिज कतई चोर नहीं था, इसका मतलब ये है। और वो हम लोगों को क्योंकि इसी काम पे लगे ना, जो ब्राह्मणिकल सोच है वो तो सिर्फ नफ्सियाती जंग है ना, तो वो हमें इसमें ट्रैक करते हैं कि हम ये बोले अगर वो चोर भी था, वो नहीं बोलना है। पहले यही बोलना है कि आप झूठे हो और आप झूठ बोल रहे, पहली चीज ही है। तो उसको फिर यूएन ने ये रिपोर्ट दी कि हाँ जी मोहम्मद सिंह हो रही है श्रीलंका शुरू ट्राइब और माइनॉरिटीज के साथ, अमेरिका जो कि मोदी जी बड़े इनकी एकदम पूरी दोस्ती निभाने के लिए ट्रंप साहब के एकदम आगे पीछे रहते हैं, उनकी खुद कंट्री ने ये रिपोर्ट दी कि हाँ एससी एसटी और माइनॉरिटीज के साथ एक खास तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये ऑर्गेनाइज तरीके से मोहम्मद सिंह करा रही है। यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मैं भी इस केस में था उसने ये फाइंडिंग दी और ये कहा कि हाँ इस तरह की एक पॉलिटिकल सोर्स ही मोहम्मद सिंह करा रही है जो कि रोकने के लिए हम ये गाइडलाइन दे रहे हैं, उसको सरकारों ने माना ही नहीं। देखी प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं, अब वो झूठ बोल रहे हैं या मेरे पास तो वो फॉर्मूला है जो वो बोलेंगे तो उसके आगे ना लगाना है, तो मैं तो उसे उसी फॉर्मूले से लगा के देखता हूँ। उन्होंने भी सबसे गुजारिश कर दी सब सरकारों से कि मोहम्मद सिंह नहीं होनी चाहिए, बुरी बातें रोकिए इसे और ये बड़ा ही गंदा काम है, तो उसका असर तो वही हुआ जो होना था क्योंकि ये तो ना लगा के पढ़ना होता है और उनके कार्यकर्ता तो इस बात को जानते ही है, तो मोहम्मद सिंह और बढ़ गई। तो हमने ये सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आईन और कानून में क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो जब सरकारें भी हमारा काम ना करें या सरकारें खुद इलेक्टेड जो सरकारें हैं और वो सिर्फ नौकर होती है देश के मालिकों की सिटीजन्स की पांच साल के लिए इस काम के लिए कि वो संविधान और कानून के हिसाब से कार्य करें, अगर सरकारें संविधान और कानून के हिसाब से काम नहीं करती तो वो गैर कानूनी काम होते हैं, वो क्राइम्स होते हैं, इसमें भी आपको कोई शक और शुबा नहीं रहना। तो ओहदे पे जाने से काम की थी और संविधान के हिसाब से काम करने से आप काम करते हो देश का, नहीं तो देश के खिलाफ काम करते हो। इलेक्शन जीतने से कुछ नहीं होता, आपको ये बात भी समझ के रखनी चाहिए कि अगर कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया प्राइम मिनिस्टर बन गया और संविधान के खिलाफ काम कर रहा है तो वो गैर कानूनी काम होता है। इलेक्टेड होके लोग इसलिए जाते हैं कि संविधान और कानून के हिसाब से काम करें, इस बात को भी आपको एकदम साफ समझ जाए। तो हमने ये सोचा कि क्या बाबा साहब और उसके संविधान में और उसके बनाए हुए कानूनों में क्या आम सिटीजन को इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके उन हालात में जब सरकारें ना सिर्फ साथ मिल रही है इलेक्टेड सरकारें संविधान के खिलाफ काम कर रही है बल्कि हमारी रक्षा करना जो उनकी प्रथम जिम्मेदारी है जो कमजोर वर्गों की माइनॉरिटीज की उसको करने में नाकाम हो रही। तो संविधान और कानून के हिसाब से हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का तरीका ढूंढा और सेक्शन 96 जो है 106 तक 96 से लेकर 106 तक उसमें यह पाया कि कोई भी चीज ऐसी गुनाह नहीं है जो कि अपनी जान की या किसी और की जान की या अपनी या किसी और की माल की रक्षा के लिए की जाए। दूसरा एक कानून में प्रावधान ये भी हथियारों के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट के पास अगर आपके पास कोई जवाब रीजन हो मजबूत रीजन जिसकी वजह से सरकार को आपको हथियारों के लाइसेंस देने चाहिए।
तो क्या शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज को अब यह हक कानूनी नहीं बन जाता कि उनकी जान खतरे में है, जो कि यूएन से लेकर हमारे प्रधानमंत्री तक ने माना है, तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इख्तियार करने के लिए अपने आप को लाइसेंस अप्लाई करने के लिए मुस्तैद समझे और लाइसेंस अप्लाई करें हथियारों के लिए, ताकि इन लोगों के दिल में ये भी डर बैठे कि अभी तो ये सोचते हैं कि किसी भी अकेले दुकेले आदमी को पकड़ लेंगे और उसको मार देंगे और वो हमारे हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और चुपचाप मरेगा, तो उनके दिल में भी एक प्रिवेंटिव डर आएगा कि हो सकता है इसके पास कोई लाइसेंस या हथियार हो तो हमें हमला नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए हमने मुहिम छेड़ी, उसका जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है और मेरे जो मैं ये संविधान और कानून की जो ट्रेनिंग देने जाता हूँ सब जगह से, मुझे बार बार सब जगह से गुजारिशें आ रही हैं और खासतौर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो पार्लियामेंट ने भी यही प्रावधान बनाया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रूल जो है उसका 315 कि जहां भी ऐसी जरूरत महसूस की जाएगी तो सरकारें खुद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हथियारों के लाइसेंस देगी, ऐसा पार्लियामेंट ने एक्ट की पास करता है कानून। तो हमने सिर्फ यही कानून बताया, लोगों ने जिज्ञासा बढ़ी और लोग आज अप्लाई कर रहे हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, और हमने जाके कानून की जो लिमिटेशंस है, जो लक्ष्मण रेखाएं जिसे कहते हैं, जाके जो हदें हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में क्या काम किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, उसकी हदें क्या है, वो भी जाके हम अपने ट्रेनिंग कैंप में सिखाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं और जो हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं उसकी उसकी उसके तहत, और उसका एक मोटा मोटा जो जो कानून है वो मैं आपको भी बताता हूँ समझाने के लिए, कि अगर कोई इंसान आपको या आपके किसी किसी भी आदमी को आप ये देखते हैं कि जान से मारने के लिए चाकू लेके आ रहा है, तो जब तक वो उसको मारता नहीं है, जब उसे मार रहा है तब तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपके पास अवेलेबल होता है और आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई गुनाह या क्राइम नहीं होगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति उस आदमी को चाकू मार के पलट के भाग रहा है, भले ही उसने चाकू मार भी दिया, तब आप जब वो भाग रहा है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका इख्तियार नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इसका मोटा मोटा कानून है। तो ये भी जाके हम लोगों को सिखाना शुरू किया। उसके बाद से आप लोग देख रहे होंगे कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कमी आ रही है, बल्कि अब बहुत दिन से तो हुई नहीं। तो ये हर चीज का तरीका होता है, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के आईन और कानून में इतनी ताकत है कि वो किसी भी और तरीके से ज्यादा बेहतर तरीका है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि कानून को अपने हाथ में ले लो, वो बहुत ही गलत तरीका और वो इतना इफेक्टिव भी तरीका नहीं। सिर्फ हमें कानून को और हमारे संविधान को जो कि बाबा साहब ने बनाया, तो सोच लीजिए कितना सोच समझ के बनाया होगा, उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने मुल्क में, जो हमारा मुल्क है जिसके हम मालिक हैं, पूरे एतमाद के साथ, पूरी मतलब इज्जत के साथ रह सकते हैं। लेकिन कमी इस बात की है कि हमारे अंदर इतनी शऊर नहीं, और उसमें भी सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारी कम्युनिटीज में, शेड्यूल कास्ट में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी और माइनॉरिटीज में भी, मैं बात भी पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक जगह करता हूं, बहुत ताकत है आज इंसाफ के लिए लड़ने के लिए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन जो हमारे लीडर हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के, वो सब मनोवादी ताकतों के एजेंट हैं। सबसे मेरी मुराद है 99.99% समझ लीजिए, हमारी जो ताकत है उसमें वो गुब्बारे में सुआ लगाने का काम करते हैं, हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं, हमें इमोशनल बातों पर ले जाते हैं, तो हमें अपने लीडरों की सुनना बंद करना पड़ेगा और दिमाग से सोच के अपने रास्ते खुद निकालने पड़ेंगे, या नई लीडरशिप तलाशनी पड़ेगी, तलाशनी भी पड़ेगी और तराशनी भी पड़ेगी। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, हर मंजिल आसान है। और ये ईवीएम का काम भी जो है, दो मिनट में ये सरकार डर के भाग जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएंगे लोग अब जाग गए हैं, हमें पकड़ लेंगे, हमें पकड़ के जेलों में डाल देंगे, हमारे ओहदे नहीं देखेंगे कानूनी तरीके से, दो मिनट में ईवीएम बंद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए होशियार किससे रहना, तो हमारे लीडर, अब आप अपने लीडरों की हरकतें रात को जाके कम से कम 15 मिनट सोचा करो कि क्या उन्होंने करवाया और उसका रिजल्ट क्या हुआ। आप सब लोग जहीन हैं, बाबा साहब के लोग, मूल निवासी लोग बहुत जहीन होते हैं,
एससी एसटी और ओबीसी, ओबीसी तो थोड़ा अब थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, हालांकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ से, ये जो 370 धारा खत्म की गई है ये वो टेस्ट केस कर रहे हैं, पानी जो टेस्ट किया जाता है ना कूदने से पहले, बाबा साहब का संविधान मनुवादी सोच के ऊपर और मनुस्मृति के ऊपर सबसे बड़ी दीवार है उसको रोकने के लिए। तो 370 की सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि वो संविधान को तोड़कर उसका रिएक्शन देख रहे हैं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मूल निवासी जो कि एससी एसटी और ओबीसी हैं उसके लिए 370 धारा के लिए उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है, किसी और चीज के ऊपर नहीं है, भारत बाबा साहब के संविधान के ऊपर हमला है, उसके लिए हमें मजबूती से आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इसका अस्तित्व अगला कदम क्या है, अगला कदम इसका रिजर्वेशन के ऊपर है। 2020 में जो असेंबलीज और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की मियाद खत्म हो रही है, अगर उन्हें यह लग गया कि 370 के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो वो अगला स्टेप उनका रिजर्वेशन खत्म करना है। मैं ये साफ तौर पे पढ़ सकता हूं इस बात को, आप लोगों को भी सब मूल निवासियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। 2020 में खत्म हो रहा है रिजर्वेशन की जो मियाद, तो इन बातों को समझ के अगर हम लोग मुत्तहिद होके इकट्ठे होके काम करेंगे तो रातों रात सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने लीडरों से होशियार हो। आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आपकी जो नंबर्स की ताकत है, जो आपको मालिक बनाती है इस मुल्क का, उसको खत्म करने के लिए ईवीएम का हथियार आप लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है, और ये सबसे खतरनाक और सबसे पहली सीढ़ी है, इसको तो हमें हटाना ही पड़ेगा अगर हम नंबर्स से इस मुल्क की सही रास्ता तय करना चाहते हैं, अपनी मालिकाना हक सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस मुहिम में सिंह साहब का भी साथ दें और दूसरे जितने भी लोग इस मुहिम को चला रहे हैं उनका साथ दें, और बाकी लोगों पे भी दबाव बनाएं कि बाकी सब काम छोड़ के पहला काम ईवीएम को रोकने का करें। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी सुनी अपना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम जय भारत। शुक्रिया महमूद पाशा साहब की। महमूद पाशा साहब हमारे सामने सुंदर भाषा से सहज भाषा से हमें कि समस्या पड़ी एवं बाकी उत्तरण की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।